हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आज मैं आपके सामने नए लेसन के साथ आया हूं। और इस नए वीडियो में आपको मैं कुछ विटामिन्स के बारे में, जो बायोलॉजी का एक टॉपिक होता है, और आप देखेंगे कि बीपीएससी में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इजी होता है, तो जो फैक्ट बेस्ड पे होता है। इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल की बात नहीं होती है, बस आपको याद कर लेना है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये लेसन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है केएम लर्निंग चैनल देख रहे हैं, और केएम लर्निंग चैनल के अंतर्गत जो मेरा टारगेट है, आप देखिए, अगर यूपीएससी, बीपीएससी या यूपी पीसीएस या झारखंड पीसीएस, अगर किसी भी तरह का सिविल सर्विसेज अगर एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आप मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे हमारे सारे वीडियोस एंड लाइव क्लास के बारे में। और लाइव क्लास के बारे में जहां तक इन्फॉर्मेशन की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि हर एक सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूं 9 बजे रात में, और एक पर्टिकुलर टॉपिक को सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करता हूँ। ओके और मेरा फोकस जो है 65th BPSC है, जिसके अंतर्गत प्रीलिम्स और मेंस दोनों रहता है। तो आप देखिएगा मेरा क्लास, लाइव क्लास आप अटेंड कीजिए 9 PM में सैटरडे एंड संडे। ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बायोलॉजी में विटामिन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन बीपीएससी का उठाते हैं, या बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम उठाते हैं, या सीडीपीओ का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि विटामिन से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एकदम गौर से देखिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, और सारे फैक्ट्स को अपने माइंड में रख लीजिएगा। आपको एक या दो क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, राइट। तो सबसे पहले विटामिन्स। तो विटामिन बेसिकली क्या है? विटामिन एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल माना जाता है, और बहुत ही माइन्यूट, या कह सकते हैं माइन्यूट शेप में या साइज में मिलता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए बोला जाता है, राइट। तो विटामिन जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे है, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। और आप इसमें देखिएगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे विटामिन्स का रोल जो है हमारे बॉडी में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। विटामिन्स का जो खोज किया गया था, सबसे पहले इन्वेंशन जो किया गया था, वो फंक के द्वारा किया गया था। तो कई बार अब आप लोग देखिएगा, एसएससी एग्जाम हो या किसी भी तरह के सिविल सर्विसेज, खास करके स्टेट पीसीएस का एग्जाम में आप देखिएगा, पूछ देता है कि विटामिन्स का खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। विटामिन का खोज फंक ने कब किया था? तो 1911 में, 1911 में। आपको याद रखना होगा 1911। अब ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, है ना, 1905। उसी उसके बाद 1911 में आके उसको, उस विभाजन को खत्म करने का ऑर्डर दिया गया था दिल्ली के समारोह में, जब दिल्ली में ये क्या बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन हुआ था, जहां पे ब्रिटिश की राजकुमारी भी आई थी, क्वीन जिसको बोलते हैं, है ना, जिनको बोलते हैं। तो 1911। मेटाबॉलिज्म की बात आती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचय, जो हिंदी में शायद उपापचय बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, हमारे बॉडी में एक एनर्जी पैदा करता है। कोई भी चीज हम लोग जब इनटेक करते हैं, तो उसको एक क्रश करके उससे एनर्जी लेने का जो काम होता है, प्रोसेस होता है, दैट इज नॉन एज मेटाबॉलिज्म। सो विटामिन जो है हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, राइट, क्लियर। अब यहां पे हम देखते हैं कि विटामिन का जो है दो डिवीजन किया गया है, राइट। विटामिन का दो ग्रुप होता है, उसमें एक ग्रुप होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, और दूसरा जो होता है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मीन्स कि ऐसा विटामिन जो वाटर में घुल जाए, है ना, ऐसा विटामिन जो वाटर में, जिससे चीनी है, नमक है, आप पानी में डालिएगा तो क्या होता है, जब हम शेक करते हैं तो देखिएगा कि धीरे 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 घुल जाता है और चीनी या नमक गायब हो जाता है। सिमिलरली विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होता है, लाइक विटामिन बी एंड विटामिन सी, वो भी वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है, राइट। और दूसरा है फैट सोल्यूबल, मतलब ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये फैट सोल्यूबल है, जहां भी फैट रहेगा उसमें ये घुल जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा एडैक, ठीक है, ADEK, विटामिन ADEK का नाम आता है जो फैट सोल्यूबल है। आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है फैट सोल्यूबल नहीं है, राइट। तो उसमें ऑप्शन रहेगा ABDE, के का गायब कर देगा, तो आपको ध्यान रखना होगा बी एन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, सो इट कैन नॉट बी फैट सोल्यूबल। ओके विटामिन ए का नाम अब हम लोग देखिए, थोड़ा का नोमेनक्लेचर जो होता है उसको हम देख लेते हैं। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, राइट।
और इसके कारण, इसके कमी के कारण जो बीमारियां होती है हमारे शरीर में, जो डेफिशिएंसी आती है इस विटामिन ए के कारण, वो है विजन लॉस, जेरोप्थैल्मिया, मतलब आँख से रिलेटेड। आप देखिए, आँख का पावर कम हो गया, जेरोप्थैल्मिया डिजीज हो जाता है, तो वो बिकॉज ऑफ द लैक और वॉन्ट ऑफ विटामिन ए, आई मीन रेटिनॉल, करेक्ट। फिर विटामिन B1 जो थाइमीन होता है, केमिकल नेम अगर आप देखेंगे तो थाइमीन होता है, और इसकी कमी से बेरी बेरी, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए कॉजेस बेरी बेरी इन आवर बॉडी, करेक्ट। विटामिन B2 जिसका नाम होता है केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो इसके कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण हमारे स्किन में क्रैक्स और टंग में क्रैक्स डेवलप होते हैं। क्रैक्स क्या होता है बेसिकली, आप देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा लिप्स है, तो आप देखिएगा लिप्स यहाँ से जहां तहां से फट जाता है स्किन, तो दैट क्रैकिंग ऑफ द स्किन ऑन द लिप्स और स्किन इज नोन एज क्रैकिंग ऑफ द स्किन, राइट। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी के कारण हमारा स्किन या टंग भी फटने लगता है, राइट। अब है विटामिन B3 जिसका नियासीन नाम है, केमिकल नेम नियासीन, और जिसकी कमी से हमारे बॉडी में जो हेयर होता है, मतलब हेड पे जो हेयर होता है, वो क्या होता है, व्हाइट होने लगता है। तो व्हाइटनिंग व्हाइटनिंग ऑफ आवर हेयर इज बिकॉज ऑफ विटामिन B3, करेक्ट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ओनली दिस इज नॉट ओनली वन फैक्टर कि हमारा व्हाइट होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन नियासीन का जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है वो सबसे पहले व्हाइट हेयर करता है, हेयर को ब्लैक से व्हाइट करना शुरू कर देता है, राइट। विटामिन B5, विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है पैंटोथेनिक एसिड है, पैंटोथेनिक, पैंटो मतलब फाइव होता है, फाइव से, तो पैंटोथेनिक एसिड, और इसके डिफिशियंसी से पेलाग्रा एंड 4D सिंड्रोम होता है। पेलाग्रा आप देखिएगा, लोगों में अक्सर पेलाग्रा देखने को मिलता है, खास करके वैसे एरिया में जहाँ पे भुखमरी है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिलते हैं लोगों को, तो पेलाग्रा होने का चांसेस वहां पे बढ़ जाता है, राइट। अब है विटामिन B6, इसका नाम क्या है, केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इज विटामिन B6, और इसके डिफिशियंसी से, इसकी कमी से एनीमिया होता है। आप देखिएगा, आयरन की कमी हो जाती है तो खून भी बनना कम हो जाता है, या बॉडी में खून भी कम बनता है, और स्किन डिजीज भी होता है, स्किन डिजीज का भी एक मेन फैक्टर बनता है ये विटामिन सी, जो कि पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप नाम, केमिकल नेम और उसके डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या होता है, ये चीज आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा। कई बार इवन UPSC वगैरह एग्जाम में, या आप देखिएगा कि खास करके UP वगैरह एग्जाम में मैच करने के लिए दे देता है, एक तरफ विटामिन का नाम रहेगा, एक तरफ विटामिन का केमिकल नाम रहेगा, मतलब विटामिन ए, B1, B2, B3 रहेगा, और दूसरी तरफ केमिकल्स का रहेगा, उसको आप मैच करेंगे, राइट। तो एकदम प्रॉपरली ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन B2, 3, 4, 5, 6 का नाम क्या है, आपको एकदम रट जाना है, जो भी हो जैसे भी हो, शॉर्ट फॉर्म अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। विटामिन B7 जो कि बायोटीन के नाम से जाना जाता है, राइट। तो बायोटीन के डेफिशिएंसी से, अब देखिएगा, बायोटीन के डेफिशिएंसी से पैरालिसिस होता है, कई बार हम लोग देखते हैं ओल्ड एज में या बच्चों में पैरालिसिस हो जाता है, तो बहुत सारे फैक्टर के साथ साथ बायोटीन की कमी के कारण भी होता है, राइट। मतलब इट इज ऑल्सो अ कॉजिंग फैक्टर फॉर द पैरालिसिस, ओके। B12 साइनोकोबलामाइन, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन से विटामिन में कोबाल्ट मिलता है ना, सुने, देखा है क्वेश्चन आपने, कौन से विटामिन में कोबाल्ट मिलता है, तो इट इज B12 बिकॉज साइनोकोबलामाइन मीन्स कोबाल्ट का कोबोला लिखा गया है, तो कोबाल्ट इज ऑब्जर्व इन विटामिन B12, एकदम ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट किसमें मिलता है, विटामिन B12 जिसका नाम ही है साइनोकोबलामाइन। अगर हम इसका नाम याद रखते तो हमें समझ में आ जाएगा कि कोबाल्ट, तो कोबा कोबला है ना, और इसकी कमी से भी एनीमिया होता है, मींस बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इज आल्सो कॉजिंग एनीमिया। अगर आप देखेंगे तो विटामिन 6 भी एनीमिया का कारण बनता है, देखिए पायरिडॉक्सिन है ना, ये वाला सबसे लास्ट नीचे वाला में पायरिडॉक्सिन जो है वो भी एनीमिया का कॉज बनता है, और विटामिन B12 भी। अब आते हैं विटामिन सी, और हम लोग देखें कि विटामिन सी क्या है, वाटर सोल्युबल, एकदम ध्यान रखिएगा, वाटर सोल्युबल विटामिन बी एंड सी, सो विटामिन सी इज अ वाटर सोल्युबल, एंड विटामिन सी का जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी डेफिशिएंसी और कमी से
स्कर्वी होता है, या हमारे जो मसल्स होते हैं दांत में, दांत के पास इसको गम भी बोलते हैं, वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, फूलने लगता है। तो स्वेलिंग या स्कर्वी डिजीज जो होता है वो बिकॉज ऑफ द विटामिन सी। ओके, विटामिन डी का जो नाम है कैल्सीफेरोल, राइट। तो कैल्सीफेरोल जो है वो कॉज क्या करता है, ऑस्टियोमोलेसिस एंड रिकेट्स। ये देखिए, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलाइटिस इन एडल्ट। तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी बच्चे में विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स होता है, और अगर यंग एज एडल्ट एज में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो ऑस्टियोमेलाइटिस का होना लाजमी है, करेक्ट। सो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि सारे विटामिन हमारे बॉडी में इनटेक हो और प्रॉपरली इनटेक हो, राइट। और विटामिन डी जो है आप देखिएगा कि कैसे बनता है, बोन में बनता है। और जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग में सनलाइट लेते हैं, सनलाइट ध्यान रखिएगा, सनलाइट जो मॉर्निंग का सनलाइट हम लेते हैं, तो हमारे बोन को मिलता है विटामिन डी। विटामिन डी हड्डी मजबूत करने के लिए होता है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरल है। और रिडक्शन इन फर्टिलिटी, अगर किसी में विटामिन ई की कमी होती है तो उनमें फर्टिलिटी की कमी होती है, बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, या देखिएगा बांझपन जो आता है किसी महिलाओं में, तो ये चांस हो सकता है कि उनके बॉडी में बहुत पहले से विटामिन ई की काफी कमी रही होगी। और कहीं पर ये अगर रिपेयरेबल है या ट्रीटेबल है तो विटामिन ई का इंटेक धीरे धीरे बढ़ाने के बाद फर्टिलिटी रिज्यूम कर लिया जाता है ना। फिर विटामिन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन के, फैट सोल्यूबल, ये भी फैट सोल्यूबल है, और विटामिन ई भी फैट सोल्यूबल है ना। तो विटामिन के जो है उसको फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है केमिकली, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प मिलता है। अब क्यों सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि देखिए, ठीक है, बाकी जो विटामिन है ये सब तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन विटामिन के में क्या होता है कि हमारी जो क्रियाविधि होती है, हमारी जो कार्यशीला कार्यशैली होती है, मतलब आउटिंग, तो जब हम लोग बाहर जाते हैं या बचपन से लेके बूढ़े तक कहीं ना कहीं बाहर जाना, फील्ड जाना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, दौड़ना, धूपना, तो चोट लगने के कारण जो फ्रैक्चर होता है, मतलब बॉडी में स्किन में जो स्क्रैच होता है या कहीं फट जाता है स्किन, तो ऐसे केस में अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो हमारे बॉडी से सारे ब्लड जो है निकल जाएंगे। तो ब्लड क्लॉट किया जाता है वहां पे जहां पे चोट लगता है या कट होता है, ताकि ब्लड आउट ना हो सके, ब्लड का आउटलेट ना मिल सके। तो विटामिन के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, फाइब्रिनोजेन भी हैं, तो वो जब आप देखिएगा कि इस केमिकली अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि क्लॉटिंग होता कैसे है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि विटामिन के बाय फाइब्रिनोजेन ये सब कैसे हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, विटामिन का सप्लाई जो हमारे बॉडी में होता है बेसिकली दो ढंग से होता है। पहला, जो इनटेक करते हैं, डाइट जो हम इनटेक करते हैं, मतलब खाते हैं पीते हैं, वो उससे मिलता है। दूसरा, मेडिसिन के फॉर्म में मिल सकता है या आउटसाइड से मिलना है, जैसे सनलाइट से, मैंने आपको बताया कि सनलाइट से भी हो सकता है। तो देखिए, डाइट और आउटसाइड दोनों फॉर्मूला यहाँ पे है, मतलब मेथड है, राइट। तो जो हम लोग प्रॉपरली अगर खाते हैं तो दैट विल बी नेचुरल इनटेक इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स, करेक्ट। और आउटसाइड में क्या होगा, या तो हम मेडिसिन ले रहे हैं, जबरदस्ती डाल रहे हैं मेडिसिन, तो वो होगा, और नहीं तो कुछ नेचुरली होता है, जैसे विटामिन डी जो है सनलाइट से बनता है, राइट। तो दो विटामिन ऐसा है जैसे विटामिन डी और विटामिन के आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, राइट। मतलब क्या हुआ कि विटामिन डी एंड के ही विटामिन दोनों है जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, बाकी सब विटामिन जो होते हैं हमारे इनटेक के थ्रू आते हैं। इनटेक के थ्रू मतलब जो हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिशंस, फूड, ग्रेन्स, जो भी हम लोग इनटेक करते हैं उसके थ्रू हमारे बॉडी में सप्लाई होता है। और विटामिन डी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि विटामिन डी सनलाइट के थ्रू होता है, क्योंकि सनलाइट जैसे पड़ता है हमारे बॉडी बॉडी या बोन जो होता है सिंथेसाइज करना शुरू करता है, विटामिन डी क्रिएट होना शुरू होता है, राइट। तो ये चीज मैं आपको पहली बार बार बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा विटामिन डी जो है सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में। चलिए, अब विटामिन के, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, ब्लड क्लॉटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन के जो है सिंथेसाइज कहाँ होता है,
कॉलोन में, हमारे बॉडी का पार्ट एक होता है कॉलोन, वहां पे इसका सिंथेसाइजेशन होता है, जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है विटामिन के जो है कि हमारे बॉडी में, मतलब इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, तो डी एंड के। विटामिन के कहाँ सिंथेसाइज होता है, कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी में, मतलब विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज सिंथेसाइजिंग पावर ऑफ द विटामिन के, तो अब ध्यान रखिएगा कोलोन, राइट। ये हो गया विटामिन के बारे में। तो चलिए एक ओवर झलक ओवरव्यू ले लेते हैं प्रोटीन का फास्टली। देखिए प्रोटीन भी जिस तरह से हमारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन है, प्रोटीन है, उसी तरह से प्रोटीन्स भी है, राइट। तो हमारे बॉडी के लिए सब चीज जरूरी है, चाहे फैट हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो एंड अदर ट्रेस एलिमेंट और न्यूट्रिएंट्स, जो सब चीज हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है, बट अप्रोप्रिएट मात्रा में, है ना। द टर्म प्रोटीन जो है पहली बार जो क्वाइन किया गया था, क्वाइन मतलब सबसे पहली बार जो लिए बनाया टर्म दिया गया, वो जे बर्जीलियस का नाम आता है। जे बर्जीलियस वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्वाइन द टर्म, मतलब हु इन्वेंटेड द टर्म, ध्यान रखिएगा, जिसने खोज किया, इन्वेंटेड, या जिसने नाम दिया, इन्वेंटेड द टर्म प्रोटीन, बाकी जे बर्जीलियस। तो प्रोटीन क्वाइन जे बर्जीलियस, एंड इट हैज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक कंपाउंड, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक कंपाउंड के तौर पे मिलता है हमारे बॉडी में। अब देखिए हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी का 15% पार्ट जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर जो है या बॉडी जो बना हुआ है उसका 15% प्रोटीन के थ्रू बनाया गया हुआ है, करेक्ट। और नाइट्रोजन इज फाउंड इन द प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बोला था साइनोकोबलामाइन किसका नाम है, जिसमें कोबाल्ट मिलता है, उसी तरह से प्रोटीन में नाइट्रोजन का भी मात्रा मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन, प्रोटीन या और भी एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं उसमें किसमें नाइट्रोजन मिलता है बेसिकली, तो नाइट्रोजन प्रोटीन में मिलता है, करेक्ट। प्रोटीन में नाइट्रोजन मिलता है, उसके बाद प्रोटीन का काम है बॉडी बनाने का। तो बनाने का काम कैसे होगा भाई, तो एनर्जी क्रिएट करके और बॉडी के रिपेयर करके, बॉडी के पार्ट को रिपेयर करके। तो जब हम लोग थक जाते हैं, जब सोते हैं, तो आप देखिएगा सोने के बाद हमारा बॉडी क्या होता है, रिपेयर करना शुरू करता है। तो दैट रिपेयरिंग इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, ओके। अब यहां पे देखिएगा कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से डिजीज जो होता है वो है क्वासियोरकर, ध्यान रखिएगा, और मैरास्मस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वासियोरकर जो है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन है, प्रोटीन है, आयोडीन है, राइट। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स डिफिशियंसी, करेक्ट। फिर उसी तरह से मैरास्मस जो है वो भी प्रोटीन के डिफिशियंसी के कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कई बार क्या होता है कि एक एलिमेंट फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी प्रोटीन्स विटामिन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और कि उसके कारण जो डिजीज होते हैं या उसके डिफिशियंसी के कारण जो डिजीज होता है वो 100% वही, केवल वही फैक्ट या फैक्टर नहीं बन सकता है, बल्कि और भी फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर विटामिन के जैसे है, अगर उसकी कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग में कमी होना लाजमी है, अगर प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकर का होना लाजमी है, मैरास्मस का होना लाजमी है, राइट। प्रोटीन की कमी है तो रिपेयर भी नहीं होगा, एनर्जी भी जनरेट नहीं होगा, थकावट भी जल्दी होगी, राइट। और उसको जो चीज को रिपेयर करने में 2 घंटे की जरूरत होती है, प्रोटीन की उपस्थिति में, प्रॉपर मात्रा में उपस्थिति में, वो हो सकता है कि हाफ आवर में हो जाए। और अगर प्रोटीन की एब्सोल्युटली कमी है तो आप देखिएगा 2 घंटे का प्रोसेस जो है हो सकता है 4 घंटा लग जाए, 6 घंटा लग जाए। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द प्रोटीन। सो टायर्डनेस जो है प्रोटीन के द्वारा रिपेयर किया जाता है और टायर्डनेस को कम भी किया जाता है, ओके। सो गाइज आई होप कि आपको विटामिन और प्रोटीन के बारे में प्रॉपरली एक फैक्चुअल पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा, आपको अच्छा लगा होगा। सो कीप वॉचिंग एंड आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोगों ने के एम लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि के एम लर्निंग जो है आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए ऑलवेज रेडी है। एंड सो मेनी लेसन्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, मेनी लेसन्स, इवन कंडक्टेड मेनी लाइव क्लासेस। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और लास्टली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों के बीच में जो स्टडी कर रहे हैं, जो एग्जामिनेशन के मोड में है, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।